संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं संदीप कुमार चौहान, जो टेक्निकल से रिलेटेड लगातार वीडियो बना रहा हूं, तो आज पॉलिटेक्निक के जॉब के बारे में मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि झारखंड के भविष्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। झारखंड में बेहतर जॉब जो आने वाले सालों में बढ़ता चला जाए, क्योंकि एक तरफ कॉलेज में लोड्स बढ़ रहे हैं, अभी हाल फिलहाल न्यूज आया कि कुछ नए कॉलेज फिर इंक्लूड हो रहे हैं, यहां तक सीटें बढ़ा दी जा रही है गवर्नमेंट कॉलेज की, अब दो दो शिफ्ट में शायद सीटें चलेगी, कॉलेज में सीट बढ़ जाएंगे, तो इससे होगा क्या कि बहुत सारे अब डिप्लोमा होल्डर्स और बढ़ने वाले हैं। तो चूंकि लास्ट ईयर भी चार नए कॉलेज खुल गए थे, काफी बच्चे बढ़ गए, उसके बाद इस साल भी काफी सीटें बढ़ा दी जा रही है, तो बच्चों का लोड जो बढ़ता जा रहा है, तो ये लोड जो बढ़ रहा है, इन बच्चों के लिए जॉब भी चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि मेरे डिप्लोमा के जो रैंकर्स हैं, जो अंडर 100 रैंकर हैं और जो एक इतिहास बनाने वाले बच्चे हैं, उन्हें आप जॉब क्रिएटर बनने की जरूरत है। तो भाई मैं अपने सबसे पहले तो पुराने बच्चों से अपील करना चाहूंगा, जितने बच्चे चाहे लक्ष्मण सर हो, सोमनाथ हो, जो राहुल हो, इसरो, डीआरडीओ, एनटीपीसी वाले, चाहे वो आपके बहुत सारे बच्चे हैं, प्रहलाद हैं, कुशील हैं, अजीत अंसारी हैं, बहुत सारे लोग टाटा कंपनी या अदर कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, और 2013 में तो भाई मेट्रोलॉजी के लगभग 10-15 बच्चे थे हमारे सेंटर के, जो सभी अभी लगभग जॉब काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा कि जॉब क्रिएटर्स हमें यहाँ जॉब क्रिएटर क्या हो सकता है। अब जॉब क्रिएटर्स चाहिए, क्योंकि जॉब क्रिएटर के बिना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं कल रैंक 1 से मिला, उसके पहले मैं आदिपुर गया और मुझे लगा कि वहां संभावना है, रैंक 1 में भी संभावना है। जितने मेरे ये टॉपर बच्चों का लिस्ट दिख रहा है, इस साल का जो हमारे अंडर 100 रैंकर हैं विजय, मैं सबसे अपील करूंगा, ये मैं अपने बच्चों से पर्सनल अपील कर रहा हूं कि आप जॉब क्रिएटर बनो, झारखंड में अब ना जॉब क्रिएटर क्या हो सकता है। और इसके लिए मैं अपील करूंगा, देखिए यहां पर मैं बात करना चाहूंगा कि जॉब क्रिएटर नॉट ए जॉब टेकर। अब बात की जाती है कि सर जॉब क्रिएटर बना कैसे जाए, क्या हम लोग अपना फैक्ट्री खोल दें, क्या हम लोग ये काम करें। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है कि भाई जॉब क्रिएटर बना कैसे जाए, और मैं आज इसी पर बात करने वाला हूँ कि जॉब क्रिएटर बनने के लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले भाई स्टूडेंट से पहले तो हम लोगों को आना होगा, टीचर समुदाय को आना होगा, गवर्नमेंट्स को आनी होगी, बड़े बड़े एनजीओ को आना होगा, क्योंकि ये जो डिप्लोमा हो रहा है गवर्नमेंट कॉलेज में, सबसे पहले आपको वो कॉलेज टारगेट करना होगा जहां सबसे ज्यादा जॉब क्रिएटर बनाने की प्रोबेबिलिटी है, और वो सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड जो है वो है आदिपुर में, क्योंकि आदिपुर में मुझे लगा, जो मैं गया आदिपुर के बच्चों को भी भाई मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, इतनी अच्छी माइंड है आप लोगों की कि मैं ये एडवाइस खासकर आप लोगों के लिए बना रहा हूं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिलकर। 3-3 कंपनियों में प्लेसमेंट्स, और भी इतने सारे बच्चों का आश्चर्य, मुझे तो आश्चर्य लग गया कि आप लोग इतना बेहतर हो, लेकिन भाई मैं आपसे थोड़ा सा और ऊपर चाहता हूं, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, वो सारे बच्चे समझेंगे जो गवर्नमेंट में जॉब निकाल चुके हैं, कर रहे हैं, जो बहुत ही टैलेंट एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं, प्लीज मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझें कि देखो होता क्या है, आप बहुत ही अच्छे बच्चे हो, नो डाउट, आप बहुत मेहनती हो, आपने 10-10 घंटा 12 घंटा पढ़ने की अपनी क्षमता है, लेकिन 10 घंटा 12 घंटा पढ़ने के बाद क्या एक गवर्नमेंट जॉब, और गवर्नमेंट जॉब के बाद आप सेटिस्फाइड हो जाते हो, वहां से अपनी पढ़ाई स्टॉप, और वहीं पर आपकी जिंदगी का दैट एंड हो जाता है। मुझे लगता है कि आपको ऐसे ऐसे कंपनियां चुननी चाहिए जहां पर आपको आगे पढ़ने का जगह मिले, आपको कुछ नया करने का जगह मिले, और आप तो टैलेंटेड हो ही, आप ऐसे कंपनियों में आराम से जा सकते हो। तो मैं कहूंगा कि अगर मान लो देखो होता क्या है, इकोनॉमिक स्थिति खराब है, आपको टाटा वाटा जैसी कंपनी में जॉब हो रहा है, किसी भी जगह जॉब हो रहा है, आप जॉब करो और वहां से, लेकिन बैठना नहीं है, उसके बाद डीआरडीओ इसरो की तैयारी में लग जाओ। और मैं तो खुद प्लान कर रहा हूं, और अभी मैंने बात भी हुई आदिपुर कॉलेज को लेकर कि वहां एक ऐसे एनजीओ की हो सकता है, और हम लोग जल्द ही वहां एक ऐसे एनजीओ को लाने के प्लान में है जो बहुत ही नॉमिनल या तो फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां पर ज्यादातर बच्चों को डीआरडीओ इसरो और जैसे रिसर्च सेंटर में, गवर्नमेंट से मैं अपील भी करूंगा कि गवर्नमेंट भी इस चीज पर ध्यान दे कि आदिपुर जैसे कॉलेज का जहां टॉपर बच्चे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड के बच्चे हैं, वहां कृपया उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए एनजीओ के तहत, या कोई हैंड, जैसे आपका स्किल इंडिया का काफी हैंड काम कर रहा है, तो वहां पर कुछ ऐसे स्किल हैंड और बड़े बड़े जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनके अंडरटेकिंग में डालकर आप ऐसे स्किल हैंड वहां डेवलप करें जहां से ना हमारे यहाँ नए रिसर्च पर काम हो पाए। बच्चे बहुत अच्छे हैं, और मैं गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहूंगा, ये वीडियो तो भाई मैं सबके लिए बना रहा हूँ, और मेरे ज्यादातर स्टूडेंट इसको शेयर करें ताकि ये खबर गवर्नमेंट तक भी पहुंचे कि भाई आदिपुर कॉलेज के बच्चों में ये क्षमता है। आप समझ रहे हैं, रैंक 1 पूरे झारखंड का रैंक 1 इतना आसान नहीं होता, वो बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड का है, और उसको आप यूज नहीं कर रहे हो, ये गवर्नमेंट की समझिए कि नाकामी है कि आप अच्छे अच्छे
बच्चों को एक जगह क्लेक्ट करो। अब उनमें क्लेक्ट तो है ही ऑलरेडी, आदिपुर जैसे क्लेक्ट है, वहां स्किल्स के कुछ अच्छे प्रोग्राम्स डिजाइन करें जहां पर बच्चों को जॉब क्रिएटर बनाया जाए। मतलब कि वहां जॉब टेकर के लिए तो भैया आपका स्किल चल रहा है, आप इंटरव्यू देने की प्रैक्टिस करवा रहे हो, ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस करवा रहे हो, नो डाउट, लेकिन आप उन बच्चों को जॉब टेकर बना रहे हो नहीं, जॉब क्रिएटर बना रहे हो। जॉब क्रिएटर बनाना है क्योंकि वो बच्चे ही आने वाले समय में झारखंड में नए इंडस्ट्रीज ला सकते हैं और बहुत सारे इंडस्ट्रीज को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनके एक एक इंटेंशन से ना, जैसे अब मैं बात करना चाहूंगा राहुल की। राहुल ने उन्हें इसरो रिसर्च सेंटर में तो उन्होंने चलिए अटेम्प्ट किया, उससे पहले उनका जापान में प्लेसमेंट हुआ। क्यों हुआ भाई? तो उन्होंने एक ऐसा जनरेटर बनाया जो डीजल पेट्रोल गैस तीनों से चलता था। अब भाई ऐसे चीजों को बनाने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ चाइना की बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, इंडिया का प्रोडक्ट काफी कम धीरे धीरे घटता जा रहा है। हमारे देश की तो जो स्थिति है बिजनेस की, वो तो भाई चूंकि मेरे इकोनॉमिक्स से है पीजी, तो मैं जान ही रहा हूँ, तो धीरे धीरे जो इंडस्ट्रियल रिसर्च डेवलपमेंट का काम है वो घटता जा रहा है। हमारे यहाँ जॉब क्रिएटर घट रहे हैं, गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देनी चाहिए। जितने भी टॉप जगह इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर सिलेक्टेड बच्चे आ रहे हैं टॉप, चूंकि ये बहुत ही बड़े टॉप कॉम्पिटिशन के बाद आ रहे हैं, प्लीज रिस्पेक्ट, आप वहां पर एक ऐसा जगह सेटअप करें जहां वो बच्चे जॉब क्रिएटर बन पाए, नॉट ए जॉब टेकर। और भाई जॉब के बारे में मैं बात करना चाहूंगा कि जॉब्स बहुत सारे होते हैं, और मैं जॉब को एक डिफिनेशन देना पड़ेगा कि जॉब का भी एक डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए जॉब का डिफिनेशन क्या होना चाहिए। तो एक इंजीनियर के लिए जॉब का डिफिनेशन मिनिमम 25,000 to 30,000 से ऊपर की सैलरी, क्योंकि उसके नीचे की सैलरी को मैं जॉब मानता ही नहीं। अब 8,000 की सैलरी, 12,000 की सैलरी और यहां तक कि 15,000 की सैलरी तो एक लेबर सैलरी है, क्योंकि एक मिस्त्री को 500 रुपये मिलता है जो आपका ईटा बालू जोड़ता है, ईटा जोड़ने वाले, और अगर 500 के हिसाब से आप 30 दिन का जोड़ो तो 15,000 हो जाता है। तो फिर नोट ए लेबर सैलरी, आप जॉब टेकर्स को यहां से लेबर नहीं ले जाओ, क्योंकि आप अदर स्टेट के जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो यहां से लेबर ले जा रही है। 8,000 to 12,000 में आपको लेबर मिलते हैं, इंजीनियर्स नहीं मिलते। और मेरे स्टूडेंट्स को मैं कहूंगा आप जॉब क्रिएटर बनो, ठीक है, आपको जॉब टेकर नहीं बनना है, इस तरह के लेबर्स नहीं बनकर काम करनी है, आपको इंजीनियर बनकर काम करना है। और आप इंजीनियर हो, यू आर ए डिप्लोमा इंजीनियर, आप क्रिएटिव माइंड के हो, आप बहुत कुछ नया कर सकते हो, अपने आत्मविश्वास को आगे बढ़ाना है और आपको एक अच्छा जॉब क्रिएटर बनना है। मैं यथासंभव इसी प्रयास में हूँ, नहीं नाकाम हूँ, मैं मानता हूँ कि अभी इतने सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे मेरे गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है, सेल में बहुत सारे बच्चे हैं, टाटा कंपनी में हैं, मैं उस कामयाबी को भी कामयाबी नहीं मानता, क्योंकि मैं अभी इसलिए नाकाम हूं क्योंकि मेरे पास अभी तक जॉब क्रिएटर्स ज्यादा नहीं आ पाए हैं। आएंगे और मैं जिस लक्ष्य पे लगा हूं वो जरूर पूरा होगा। तो भाई ये मिशन आपके सहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकता, मुझे आपका पूर्ण सहयोग चाहिए। तो भाई लग जाओ, जो लोग गवर्नमेंट जॉब में है वो भी ध्यान दें कि आप आगे जॉब क्रिएटर बनने में अपनी मदद करें। एनजीओस, ऐसे एनजीओ को हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से उसमें चैरिटी करो, उस एनजीओ को आगे बढ़ाओ ताकि आदिपुर का हर बच्चा जॉब क्रिएटर हो। तो मैं आदिपुर के ही सीनियर बच्चों से बात करूंगा भाई कि जितने आदिपुर के बच्चे ऑलरेडी जॉब ले चुके हैं, अरे भाई आप लोग मिलकर एक एनजीओ क्यों नहीं डिजाइन करते? आप सारे टॉपर बच्चे मिलकर एक एनजीओ ऐसा डिजाइन करो ना जिसमें सारे जॉब करने वाले बच्चे उसमें अपनी तरफ से डोनेशन दें, और वहां से नए ऐसे टीचर्स को ढूंढ के लाओ जो डीआरडीओ स्कूल के लिए बेस्ट तैयारी करवाते हो, और आप लोग मिलकर उनको मेंटेन करो, क्योंकि मैंने सीनियर के प्रति बनकर रिस्पेक्ट देखा है और सीनियर्स की वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझता हूं। आपके छोटे छोटे डोनेशन पार्ट से वहां पर बहुत सारे जॉब क्रिएटर पैदा हो सकते हैं, और आपके आदिपुर की भले बिल्डिंग टूटी हुई हो, ढह रही हो, अलग मैटर है, लेकिन वहां इतिहास बदलने की क्षमता है और वो मैंने देखा है। और अपने सीनियर्स बच्चों से, जितने भी अच्छे अच्छे बच्चे जॉब कर रहे हैं, सबसे मेरा अपील होगा ये वीडियो वहां तक पहुंचाओ, अपने सीनियर तक पहुंचाओ, ताकि उनके दिमाग में लगे कि नहीं कुछ सर हैं जो सही कर रहे हैं। और इसको मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता, ये एनजीओ आपका हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे उसका कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। आई वांट टू ओनली जॉब क्रिएटर्स, मुझे जॉब क्रिएटर्स चाहिए थे कि मैं अपनी छोटी सी संस्था में तैयारी करवाता रहूं, आप नौकरी बढ़ाते रहो और मेरे सारे बच्चों को जॉब मिलता रहे, एक अच्छा जॉब, सम्मानजनक जॉब, जिससे वो एक सम्मानजनक जिंदगी जी पाए, एक लेबर की जिंदगी उनकी ना हो। तो चलो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।